Good morning, friends. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वाई वेक. वाई वेक ऑफ सीयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013. आपको पता है कि 1 अप्रैल 2014 से न्यू कंपनी एक्ट 2013 कंप्लीटली एप्लीकेबल हो गया था. हालांकि कुछ सेक्शन सितंबर 2013 के बाद से ही एप्लीकेबल हो गए थे, लेकिन 1 अप्रैल 2014 से कंपनी एक्ट 2013 इन एंटायटी एग्जिस्टेंस में आ गया था. तो पहले आपने पढ़ा होगा कि कंपनी एक्ट में सेक्शन 77 के अंदर बाईबैक था, लेकिन अब जो न्यू जो बाईबैक ऑफ द शेयर्स है दैट इज सेक्शन 68, सेक्शन 69 एंड सेक्शन 70. ये न्यू कंपनी एक्ट के सेक्शंस हैं जो बताते हैं अबाउट बाईबैक ऑफ द शेयर्स. ठीक है, ये सेक्शंस कहते हैं सेक्शन 68, 69, 70. इनकम टैक्स में ये सेक्शंस हैं रिलेटिंग टू अनक्लेम्ड अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट के बारे में. यहाँ ये 68, 69 बाई बैक ऑफ द शेयर. तो अब हमें समझना क्या है कि बाई बैक ऑफ शेयर होता क्या है. व्हाट इज बाई बैक ऑफ द शेयर, व्हेन, हाउ, प्रोसीजर एंड अफेक्ट. कि ये बाई बैक कब कर सकते हैं, होता क्या है बाईबैक. ठीक है, इसको कब कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, हाउ और क्या अफेक्ट होता है कंपनी के ऊपर बाईबैक से, ये सब कुछ हमें पढ़ना है एज पर 68, 69 एंड 70 के अंदर. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं बाईबैक क्या होता है. बाईबैक का मतलब जब कंपनी खुद के द्वारा इशू किए हुए शेयर्स को खुद वापस खरीदती है, दैट इज बाई बैक. बाई बैक मीन्स परचेजिंग ऑफ द ओन शेयर्स बाय द कंपनी. ये पहले प्रोहिबिटेड था, लेकिन कंपनी एक्ट 2000 का जो अमेंडमेंट आया था 2000 से ये एप्लीकेबल हुआ, बाई बैक अलाउ हुआ पुराने कंपनी एक्ट में. और ये जो न्यू कंपनी एक्ट 2013 है इसके अंदर भी बाई बैक की बाई बैक अलाउ. तो बाईबैक क्या हुआ, डेट इज परचेजिंग. तो बाईबैक मीन्स परचेजिंग ओन शेयर्स बाय द कंपनी. जो ओन शेयर्स हैं, जो अपने शेयर्स इशू किए हैं और उनको परचेज करके रखती है फॉर कैंसलेशन और एक्सटिंक्शन. तो दैट इज कॉल्ड बाईबैक. ठीक है, तो ये बाईबैक कब कर सकते हैं, होता क्या है, कब कंपनी अपने शेयर्स खरीद सकती है, इसका ये प्रोस्क्राइब किया हुआ है सेक्शन 68, 69, 70 में. ये कहता है, ये सारे सेक्शंस कहते हैं कि बाईबैक ऑफ शेयर्स कैन बी डन ओनली इफ कंप्लाई बाय कंप्लाइंग सेक्शंस. जो न्यू कंपनी एक्ट के सेक्शंस हैं 92,
सेक्शन 123, सेक्शन 127 एंड सेक्शन 129, ये सारे सेक्शंस कंप्लाई करने होंगे, तभी क्या होगा, हम बायबैक कर सकते हैं। तो बायबैक के लिए क्या चाहिए कि ये सेक्शंस के कंप्लाई करके हम बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए क्या चाहिए, कंपनी एक्ट के 68, 69, 70 कहता है कि कंपनी बायबैक अपने शेयर्स कर सकती है, यानी अपने शेयर खुद खरीद सकती है, बशर्ते कि कंपनी सेक्शन 92, सेक्शन 123, 127 एंड 129 की कंप्लायंस करे। ओके, तो इन सब की कंप्लायंस का मतलब क्या है, यानी कब कंपनी बायबैक कर सकती है। कब कर सकती है, व्हेन, तो सबसे पहला काम है कि कंपनी इज हैविंग नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट इन इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। यदि कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, उनकी इंटरेस्ट या उनके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा नो डिफॉल्ट इन, कोई यदि कंपनी को डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज डिविडेंड, there should be no default any company ने कोई dividend declare किया है तो dividend declare के बाद में जो declare किया हुआ dividend है उसमें कोई default नहीं होना चाहिए। okay, इसके अलावा यदि company ने कोई भी financial institution से या bank से loan लिया है तो लोन के रीपेमेंट या इंटरेस्ट का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, इसमें देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट। ओके, पहली चीज उसको सेक्शंस को कंप्लाई करना है, 92, 123, 127, 129, एंड सेकंड क्या करना है कि उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, ना डिवेंचर्स का, ना डिपॉजिट का, ना डिविडेंड का, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटर। जब आपके पास सरप्लस पैसा हो और कोई डिफॉल्ट ना हो, ये नहीं कि आप एक तरफ तो डिफॉल्ट कर रहे हैं और एक तरफ आप शेयर्स खुद खरीद रहे हैं, ये परमिसेबल नहीं है। ये तभी होगा व्हेन देयर इज नो डिफॉल्ट। ओके, तीसरा चीज ये जो थर्ड पॉइंट जो हमने बताया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया आपका, तो हमने बताया फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि 92, 123,
127, 129 का कंप्लाइंस, सेकंड नो डिफॉल्ट, थर्ड नॉट थ्रू सब्सिडरी इंक्लूडिंग ग्रुप सब्सिडरी। ये जो वाईवेक है ये डायरेक्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी थ्रू एनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी और एनी सब्सिडरी ऑफ एनी ग्रुप कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट थ्रू, इट शुड नॉट बी नॉट थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंक्लूडिंग ग्रुप इन्वेस्टमेंट कंपनी। इट शुड नॉट बी थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी इंक्लूडिंग ग्रुप इन्वेस्टमेंट कंपनी, ओके। नेक्स्ट इज इट शुड बी परमिटेड बाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बाईवेक तभी कर सकते हैं जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं। इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं परमिट करते तो फर्स्ट बी अप टू बाई फॉलोइंग प्रोसीजर लाइक स्पेशल रिजर्वेशन एक्सेट्रा, बी अप टू फर्स्ट अमेंड अवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ओनली देन वी कैन बाईवेक अवर ओन शेयर्स, ओके। हम टोटल कैपिटल का 10% तक कर सकते हैं, ठीक है, 10% तक का कर सकते हैं। अगर मोर देन और इक्वल टू 10% करना है तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन भी चाहिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन भी चाहिएगा। ये जो 10% होगा ये होगा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से यदि हम ज्यादा बाईवेक करते हैं तो हमारे को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, अदरवाइज हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिजोल्यूशन से भी, ठीक है, पास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाईवेक एक साल के अंदर दोबारा बाईवेक नहीं किया जा सकता, यानी बाईवेक हमने शेयर इशू किए हैं या कोई बाईवेक किया उसके 1 ईयर के अंदर बाईवेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, 10% तक से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 25% सीलिंग है कि हम क्या कर सकते हैं, 25% टोटल कैपिटल से ज्यादा का बाईवेक तो कर ही नहीं सकते। तो बाईवेक 10% से कम का तो हम कर सकते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन से, और 10 से 25% तक का कर सकते हैं हम स्पेशल रिजोल्यूशन से, और 20% से ज्यादा करना अलाउड नहीं, ओके। अब एक पॉइंट और देखना होता है, दैट इज हमें ये देखना है कि डेट इक्विटी से रेशो, डेट इक्विटी रेशो टू इज टू वन या सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर प्रिस्क्राइब किया तो हायर मेंटेन रहना चाहिए। बाईवेक इतना तक कर सकते हैं कि आफ्टर बाईवेक हमारा जो है
वाइवर कैसा होना चाहिए कि डेट इक्विटी रेशो 2:1 का मेंटेन रहे। वाइवर के अरे डेट इक्विटी रेशो कितना मेंटेन होना चाहिए? 2:1। तो 2:1 का रेशो मेंटेन होना जरूरी है। ओके, स्टीवन का रेशो मेंटेन होना जरूरी है। अब हमने बताया था कि वाई वेक डिफॉल्ट के केस में नहीं हो सकता। डिफॉल्ट के केस में हमने क्या होता है, डिफॉल्ट के केस में वाई वेक नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिफॉल्ट रेक्टिफाइड बिफोर बाईवेक एंड 3 years elapsed after default, rectified before buyback, 3 years elapsed after default, in sub cases में ये restrictions जो default वाली है ये lift किया जा सकती है। ठीक है, तो default के केस में कुछ और रेस्ट्रिक्शंस है बाई बैक में। और रेस्ट्रिक्शंस क्या है? ओनली फुली पेड पेड अप शेयर कैन बी बाई बैक, नॉट पार्टली पेड। इस फुली पेड शेयर से उन्हीं का बाई बैक हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा सेबी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है होगी अगर ये कंपनी लिस्टेड है। साथ ही साथ बाईबैक ऑफ शेयर्स रूल्स हैं, शेयर्स रूल्स 1999, इनको भी फॉलो करना है अनलिस्टेड कंपनी केस में, लिस्टेड के केस में सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, तो भाई भाई मेरे को तो शेयर्स फॉलो करना है। क्लियर? तो ये हमने समझा कि बाईबैक कब कर सकते हैं, बाईबैक होता क्या है, बाईबैक कब कर सकते हैं। अब हमें देखना है प्रोसीजर फॉर बाईबैक। नाउ वी आर कमिंग टू द प्रोसीजर। अब हम देखते हैं व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर बाईबैक। अपन लोग आते हैं प्रोसीजर। अब हमें आना है प्रोसीजर क्या है बाईबैक का, व्हाट इज द प्रोसीजर। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम बाईबैक करेंगे तो हमें नोटिस देना है, नोटिस ऑफ द मीटिंग। और साथ ही साथ यदि स्पेशल रिजोल्यूशन उसके लिए पास करना है तो
तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्लस मैंडेटरी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग बाईवैक, जो नोटिस देंगे मीटिंग का, एक नोटिस देना होगा, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए आपको पता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है, उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ हम देंगे इंफॉर्मेशंस विच आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर बाईबैक ऑफ द शेयर्स। ठीक है, सेकंड हमें देखना है, जो हमने बताया कि बाईबैक पिछले बाईबैक इशू से 1 ईयर इलेप्स हो जाना चाहिए, एक तो साथ ही साथ हमें देखना है कि ये जो रिजोल्यूशन जो पास हुआ है साल, इसके बाद विद इन वन ईयर हमारा बाईबैक हो जाना चाहिए। जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ, पास होने के बाद में, यानी कि ये आज हमने पास करके रख लिया, कभी भी करेंगे, 1 साल के अंदर आप बाईबैक कर लीजिए। ठीक है, अब इसका मोड क्या होगा? मोड है या तो हम प्रोपोर्शनेटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से खरीद लेते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मान लो 1 करोड़ का इशू है, 1 करोड़ के शेयर है हमारे, हम 10 लाख बाईबैक कर रहे हैं, यानी 10%, तो हर एक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको हम 10% बाईबैक का ऑफर भेज देते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारा ओपन मार्केट, हम ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। थर्ड है ऑड लॉट, फोर्थ है ईसॉप, प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं, ऑड लॉट खरीद सकते हैं, इसके अलावा ईसॉप यानी जो एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन दिए हुए हैं वो वापस ले सकते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, मेथड है जिनके थ्रू बाईबैक कर सकते हैं, या तो शेयर होल्डर से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या बाजार से खरीद सकते हैं और फिर बाद में उनको कैंसिल कर सकते हैं, या बाजार से ऑड लॉट, जैसे 50 या 100 के लॉट में शेयर्स बिकते हैं तो हमने क्या किया, कुछ ऑड लॉट हो जाते हैं बोनस की वजह से या राइट इशू की वजह से, तो उन 10-10, 20-20 वाले ऑड लॉट को खरीद लिया और उन, क्योंकि वो कुछ सस्ते मिल जाते हैं, और उनको हमने बाद में कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लो जो शेयर्स हैं दैट इज ऑफ लिस्टेड कंपनी है, उस समय हमें जब भी बाईबैक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये केवल हमें देनी होती है किसमें, लिस्टेड कंपनी के अंदर, अदरवाइज डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी लिस्टेड कंपनी के केस में हम भेजते हैं सेवी प्लस आरओसी को, और यदि अनलिस्टेड कंपनी है तो केवल आरओसी को, और ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज साइंड बाय टू डायरेक्टर, ये दो डायरेक्टर्स के द्वारा साइन होती है, इट इज साइंड बाय एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स।
ये दो डायरेक्टर द्वारा साइन होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? नेक्स्ट और क्या क्या करना होगा बायबैक के लिए, ये हम आपको बताते हैं। बायबैक के लिए और क्या क्या हमें करना है, नेक हमें क्या करना है, एक्सटिंग्विश एंड डिस्ट्रॉय। जो शेयर सर्टिफिकेट होगा, जब हम शेयर्स कैंसिल करेंगे तो उनको कट करके या तो काट काट के उसको खत्म करेंगे या उसको जला देंगे। उस शेयर सर्टिफिकेट को पहले हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, रजिस्टर्स में से हटाएंगे, उसको कैंसिल करेंगे, फिर उस शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये जो डिस्ट्रॉय करना है, इट शुड बी विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर हमें इसको शेयर सर्टिफिकेट को, हाँ जी, 7 दिन के अंदर उसको खत्म कर दीजिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने कहीं स्टोर कर दिए और वो शेयर ला के ही बेच दे। हालांकि आजकल तो जो प्रोसेस है डीमैट का है, लेकिन नियम कानून लॉ अभी भी ये मान के चले बनाए गए हैं जैसे फिजिकल स्टॉक एग्जिस्टेंस में हो। अब जब आपने इशू किया, बाईबैक किया, उसके बाद में फ्रेश इशू इज नॉट परमिटेड 6 महीने तक। ये नहीं कि आज आपने खरीदे, 6 महीने तक आप दूसरा इशू नहीं ला सकते, ठीक है। हालांकि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो, ये सब परमिटेड है, क्योंकि जिसमें बोनस करते हो, कन्वर्जन करते हो, इसमें कोई फंड तो आ नहीं रहा, केवल सेफ चेंज हो रही है, रिजर्व को कैपिटलाइज कर रहे हो, तो दैट इज परमिटेड। बोनस, कन्वर्जन एट्सेट्रा इज परमिशन, ओके। कन्वर्जन कर सकते हो शेयर वारंट्स का, वारंट्स को शेयर में बदल दो, ओके, स्टॉक को बदल दो, शेयर स्टॉक को शेयर्स में बदल दो, ठीक है। स्वेट इक्विटी को, जो एम्प्लॉयज को होता है, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दो, ये सारे काम आप कर सकते हो, लेकिन फ्रेश इशू आप नहीं ला सकते। आप ये सब काम कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्रिंग, हाँ जी, समझ में आया। ये नहीं कि एक तरफ तो आज आप खरीद रहे हो, 6 महीने बाद दोबारा से आप बाजार से ले रहे हो, ऐसा परमिटेड नहीं है, ठीक है। अब एक अपने को क्या करना होता है बाईबैक में, एक रजिस्टर ऑफ बाईबैक रखना होता है। क्या रखना होता है? रजिस्टर ऑफ बाईबैक। बाईबैक के लिए एक रजिस्टर रखना होगा, रजिस्टर ऑफ बाईबैक। इस बाईबैक में लिखा होगा परमिटेड सिक्योरिटीज, बाईबैक रिसीव्ड, कितनी जो बाईबैक की सिक्योरिटीज रिसीव्ड, उनके अगेंस्ट क्या हमने कंसिडरेशन पे किया, सिक्योरिटी रिसीट्स, कंसीडरेशन पेड, किस दिन उसको हमने कैंसिलेशन किया, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज हमने बताया था आपको, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद में एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। तो जब कैंसिलेशन कर दिया, कैंसिलेशन का मतलब ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट, इसको हमने काट के लिख दिया कैंसिल्ड, या कैंसिल्ड की स्टाम्प लगा दी। उसके बाद में हम
इसको फिजिकली एक्सटेंशन और फिजिकल फिजिकल डिस्ट्रक्शन करेंगे या तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे या इसको जला देंगे, ठीक है। ये सारा काम करना पड़ेगा, तो हमें ये डेट इस रजिस्टर में लिखनी पड़ेगी किस डेट को ये एक्सटेंड किए गए या डिस्ट्रक्ट किए गए, ठीक है। ये रजिस्टर और बायबैक रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कि हमें एक बायबैक की एक रिटर्न भेजनी पड़ती है। क्या भेजनी पड़ती है? रिटर्न भेजनी पड़ती है आरओसी को, और अगर लिस्टेड है तो आरओसी के अलावा सेबी को भी भेजनी होती है। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा? रिटर्न ऑफ बायबैक ये आरओसी को भेजनी होगी, और अगर लिस्टेड है तो सेबी को भी, प्लस लिस्टेड है तो सेबी को भी भेजनी पड़ेगी। यदि हमने इस प्रोसीजर में या बायबैक में कुछ भी गड़बड़ की तो सेक्शन 68 कहता है कि कंपनी का ऑफिसर और कंपनी दोनों पर पेनल्टी का प्रोविजन है, ठीक है। कंपनी पर 1 लाख से लेके 3 लाख तक पेनल्टी लग सकती है, ऑफिसर पर 1 to 3 लाख पेनल्टी प्लस प्रोसिक्यूशन प्लस अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। यानी जेल के अंदर, जैसे आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी चले गए थे गडकरी जी के केस में, इसी तरह आपके यहाँ सेक्शन 68 कहता है के। अभी इसमें कुछ कुछ चीजें आपको और समझनी है कि जो फ्री रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व कौन सा माना जाएगा। हाँ जी, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अभी हमने इसमें वर्ड यूज किया था फ्रेश रिजर्व। तो फ्री रिजर्व माना जाएगा रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। आज की डेट का नहीं, जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है प्लस शेयर प्रीमियम जो भी रिसीव्ड है, ये दोनों मिला के फ्री रिजर्व होंगे। लेकिन इसमें एप्लीकेशन मनी इंक्लूड नहीं की जाएगी, नॉट एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी इंक्लूड नहीं की जाएगी। ओके, अब आपने अकाउंटिंग में 100 क्वेश्चन किए होंगे बायबैक के, तो उस बायबैक में आपने देखा होगा कि कुछ अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है,
तो सेक्शन 69 क्या कहता है, तो पुराना सेक्शन था उसमें केवल उतने का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता था कंपनी एक्ट 1956 में, जितने का आपने फ्री रिजर्व में से रिडेम्पशन किया, जो प्रीमियम से रिडेम्पशन किया है उसका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाना पड़ता था। लेकिन अब जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आपको चाहे फ्री रिजर्व में से किया हो चाहे प्रीमियम से में से किया हो, दोनों के बदले आपको CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, साथ ही साथ ये सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होंगी। ओके, और इस जो कैपिटल रिजर्व है इसको किसी और काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, इसको केवल बाद में इशू किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि RBI ने नॉन रेजिडेंट के से शेयर्स बाईबैक की सारी पावर डेलीगेट कर रखी है, ठीक है। इसकी जनरल परमिशन दे रखी है, ऑटोमेटिक रूट कर रखा है, तो इवन हमें NRI से भी शेयर्स बाईबैक करने में, क्योंकि पावर्स RBI ने डेलीगेट कर रखी है, तो वही हमें जो ROC और सेबी की फॉर्मेलिटीज है उन्हीं का कंप्लायंस करना है, RBI के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने समझा, बाईबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंज हुआ है कंपनीज एक्ट 1956 से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ना केवल कंपनी लॉ में, ना केवल आपको कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, बल्कि आपको ऑडिट और कंपनी अकाउंट्स यानी अकाउंट्स में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, सब में इस बाईबैक का न्यू प्रोविजंस का यूज होगा। तो अपने दिलो दिमाग जहन में ये बात बैठा लीजिए कि बाईबैक को हमें नए तरीके से पढ़ना है, और साथ ही साथ अब हमें चाहे हम फ्री रिजर्व में से बाईबैक करें या प्रीमियम में से करें, दोनों ही केसेस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, ठीक है। तो आज का हम ये लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।